गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम सीए जय चावला। जैसा कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, क्या बोलूं यार, मतलब चेहरे से समझ में आ गया होगा कितना खुश लग रहा हूँ। बहुत टाइम से एक सपना था, सपना तो नहीं, सपना तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है, बट बहुत टाइम से एक इच्छा थी कि खुद का घर पे एक स्टूडियो हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात कर रहा हूँ मैं। खुद का एक घर पे मेरे स्टूडियो रहे, जहाँ मैं अपनी इच्छा से जब चाहे मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूँ। मेरी आदत रहती है कि मैं कभी कभार 2, 3, 4 बजे तक भी जागता हूँ रात के, और माइंड में आता रहता है कि यार वीडियो बनाना है। फिर लगता है हाँ ठीक है, चलो मैं कल जाऊँगा, क्लास जाऊंगा तो मैं बना लूंगा। बहुत सारे वीडियोस बनाने का मन करता था और करता है, बट अभी तक मेरा खुद का पर्सनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं रहा। मुझे आपको बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि नाउ आई हैव माय ओन स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मेरा एक छोटा सा रूम है, मैं उसको अपना स्टडी रूम बोल दो, कम मंदिर रूम बोल दो, वगैरह वगैरह। मतलब मैंने अपनी वाइफ से लड़ झगड़ के एक स्पेस लिया अब उस रूम में, क्योंकि मेरी वाइफ उसमें मंदिर भी बनाया हुआ है। मेरा थोड़ा सा स्टडी रूम भी है, तो छोटा सा रूम है। इस रूम में मैंने एक स्टूडियो बनाया है, और जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये रिकॉर्डिंग इस स्टूडियो की है। माफ़ करना अगर वीडियो ऊपर नीचे हो रहा हो, क्योंकि अभी मैं इस पे वर्कआउट कर रहा हूँ। डेफिनेटली और क्वालिटी वाले वीडियोस आएंगे, क्वालिटी वाले वीडियोस मतलब पिक्चर क्वालिटी वाले वीडियोस और अच्छे वाले आएंगे। पता नहीं क्यों बस रहा नहीं गया, आई थॉट कि यार रिकॉर्ड कर लो, और आपको रिकॉर्ड करके मैं ये न्यूज़ सुनाऊँ कि यार अपना स्टूडियो हो चुका है। खुशी इसलिए ज़्यादा हो रही है कि बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो वगैरह वगैरह। बजट इशू हो रहा था, क्या है कि आई हैव बीन शिफ्टेड टू पुणे, सो फैमिली के साथ मतलब अपनी वाइफ के साथ, तो क्या होता है कि बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब चलो यार अपन कर लेते हैं एक्सपेंसेस। सो थोड़ी सी बचत कर करके फाइनली स्टूडियो मैंने अपना बनाया। इसके पीछे मुझे मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे थैंक यू बोलना है, और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे पहले तो अपनी वाइफ दामिनी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की। दामिनी तो मेरी हर जगह हेल्प करती है यार, मैं क्या क्या बोलूँ। मतलब आज मैं जो आपके सामने हूँ, वो कहीं ना कहीं उसी ने मुझे आगे बढ़ाया है, पुश किया कि यार तू अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करो। देन वी स्मार्ट अकेडमी की पूरी टीम, स्पेशली विशाल सर, उज्जवल सर, आप नहीं जानते हैं उज्जवल सर विशाल सर के भाई हैं। दर्शन सर फैकल्टी में अगर बात करें तो दर्शन सर, विजय सर, कपिल गोयल सर, रोहन सर, इन सब ने बहुत हेल्प की मेरी स्टूडियो बनवाने में, स्टूडियो के रिगार्डिंग मुझे कंसल्टेंसी देने में, फ्री में कंसल्टेंसी देने में। स्पेशली कपिल गोयल सर और रोहन सर, रोहन निम्बलकर सर, मुझे बहुत सारी कंसल्टेंसी मिली। फिर मुझे दर्शन सर ने कंसल्टेंसी दी, दर्शन सर ने अपना स्टूडियो बनाया, तो मैं उनके पास गया कि लाइटिंग का इशू हो रहा है। कपिल सर ने मुझे टेक्निकल इश्यूज समझाए, कौन सा सिस्टम लेना होता है मुझे रोहन सर ने समझाया। तो फाइनली यार मतलब बहुत सारे लोग हैं थैंक यू लिस्ट में, सो थैंक यू ऑल। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइज, मेरा थैंक यू तुम लोगों को भी है, स्टूडेंट्स को, क्योंकि आज स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा प्यार है, जिनकी वजह से मैं अपना स्टूडियो बना रहा हूं और बना चुका हूं। स्टूडियो बनाने के पीछे क्या कारण है? कई सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो मुझे इंस्टेंटली रिकॉर्ड करने होते हैं, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस हो गए, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, कभी मुझे कुछ रिवीजन लेक्चर डालना है, उसके लिए मुझे क्लासेस भागना पड़ता था, और बार बार पॉसिबल नहीं है कि क्लासेस जाके वीडियो रिकॉर्ड करो, राइट? सो अब लग रहा है कि बहुत कुछ करना है, मतलब मुझे बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके डालने हैं। कोशिश करूंगा कि अब लाइव भी आऊं कभी कभार, लाइव आने के लिए भी कोशिश करूंगा कभी, अगर कुछ रिवीजन करवाना हुआ तो लाइव आके रिवीजन करवाऊं। सो गाइस,
यही पॉजिटिव सोच के साथ अब मैं बढ़ रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें डिलीवर करनी है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ज़रूर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने अगर ये वीडियो मतलब मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ। अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंटली बताऊं कि मैं अब क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस वगैरह अगर मुझे बनाने हो तो मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या क्या मुझे वीडियोस बनाने चाहिए, मेरे माइंड में ऐसा एक्चुअली क्या क्या चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। और मैं आपसे भी चाहूंगा कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताओ कि मुझे ऐसे कौन कौन से वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने चाहिए जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, आप लोगों के लिए मतलब सीए फाउंडेशन से लेकर सीए फाइनल तक, राइट? सो मुझे जो लग रहा है कि मुझे कौन कौन से वीडियोस बनाने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। वेट अ मिनट, राइट? ओके, सो मेरा ये मानना है कि अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं, राइट, और सीए इंटर की बात करूं, तो मैं क्या क्या चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं जो मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने हैं। सीए फाइनल में आई हैव ऑलरेडी कमिटेड टू माय स्टूडेंट्स कि दिसंबर में मैं अपने क्वेश्चन बैंक के वीडियोस डालना शुरू करूंगा। सो क्वेश्चन बैंक के वीडियोस जरूर आएंगे, क्वेश्चन बैंक के वीडियोस आएंगे, राइट? उसके अलावा चार्ट रिविजन्स मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं मई 20 अटेम्प्ट से पहले पहले कुछ चार्ट रिविजन्स डालूंगा। मेरी चार्ट बुक, अगर आपके आपने सुना होगा कि मैंने एक अभी रिसेंटली चार्ट बुक लॉन्च की थी, लगभग 2 महीने हो गए उस चीज़ को, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आपने चार्ट बुक परचेज की, सिर्फ 300 रुपये में चार्ट बुक मिल रही है वी स्मार्ट अकेडमी की वेबसाइट पे या फिर मेरी वेबसाइट चार्टेड कॉर्नर पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। चार्ट बुक बहुत सारे बच्चे परचेज कर रहे हैं, तो मैं चार्ट रिवीजन डालूंगा, राइट? मुझे ये दो चीज़ें ध्यान आ रही हैं। तीसरी चीज़, अभी रिसेंटली जो नवंबर 19 का जो पेपर हुआ था, नवंबर 19 का पेपर हुआ था, एग्जाम पेपर नवंबर 19, इसका मैं सॉल्यूशंस डालने वाला हूं, सॉल्यूशंस एंड डिस्कशन, डिस्कशन ये मुझे ध्यान है, मुझे इस पे जरूर वीडियोस डालने हैं, राइट? मुझे जो सीए फाइनल में याद आ रहा है वो मैं डाल रू डाल मतलब ये तीन चीजें मुझे बहुत मेरी प्रायोरिटीज पर हैं कि मैं वो डालूंगा। व्हेन वी कम टू सीए इंटर, तो सीए इंटर में मुझे याद आ रहा है कि मुझे क्या क्या चीजें डालनी चाहिए, अभी तक मुझे क्या क्या चीजें करवानी चाहिए। मैंने मई 19 के लिए मैराथन वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, मई 19 के लिए, तो जो मैंने मैराथन वीडियोस रिकॉर्ड किए थे वो मैंने भोपाल में रिकॉर्ड किए थे लाइव स्टूडेंट्स के सामने। भोपाल में भी मेरा एक स्टूडियो है बट वो फुल फ्लेज्ड स्टूडियो नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ क्या होता है कि स्टूडियो कम क्लासरूम था, बट मेरे लेक्चर एडिट एक्चुअली नहीं होते थे, एडिटिंग के लिए मुझे वी स्मार्ट की टीम को देना पड़ता है, और हम रेगुलर क्लास के लेक्चर हमारे वी स्मार्ट की टीम ही करती है एडिट। बट मैंने भोपाल में वो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे मैराथन के, सीए इंटरमीडिएट के, आईपीसीसी के, मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, मतलब मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। यू वॉन्ट बिलीव मोर देन 1,70,000 व्यूज हो चुके हैं मैराथन वीडियोज पे, एक पर्टिकुलर वीडियो पे मोर देन 1,70,000 वीडियो हो चुके हैं। मैं अब मैराथन वीडियोज नए रिकॉर्ड करूंगा, न्यू मैराथन वीडियोज मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा। मैराथन वीडियोज मतलब क्या होते हैं? रिविजन, रिविजन लेक्चर्स, रिविजन लेक्चर्स मैं इस पे जरूर ट्राई करूंगा कि मैं आपको रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड करूं, राइट? इसके अलावा यस पेपर डिस्कशन, पेपर नवंबर 19 डिस्कशन रहने वाला है। गुड न्यूज सीए इंटर वालों के लिए ये है कि जैसे मैंने अपने फाइनल में चार्ट बुक निकाली है, चार्ट बुक
सीए फाइनल में चार्ट बुक जो निकाली हुई है, अब सीए इंटर वालों के लिए गुड न्यूज है, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी चार्ट बुक निकाल रहा हूं बहुत ही जल्द, वो कम से कम प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल होगी चार्ट बुक, और मैं उसके रिविजन वीडियोज जरूर डालूंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अब मैंने अपना स्टूडियो बना लिया है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और आई होप कि आपको भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही हो। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सारे वीडियोस आपको डिलीवर करने चाहिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार मिला है और मुझे प्यार और चाहिए। एक्चुअली मुझे प्यार और चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना है। मजाक मस्ती में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया यार स्टूडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेंटेन करने के लिए। सो अब मुझे आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करनी है और बहुत सारी अच्छी न्यूज भी है, बट वो मैं अभी इस वीडियो में ना होके मैं अगले वीडियोस में जरूर आपके साथ बहुत सारी न्यूज शेयर करने वाला हूँ, स्पेशली फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। यस, फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, चाहे वो सीए फाइनल के हों, चाहे वो सीए इंटर के बच्चे हों, आईपीसीसी मेरा मानना है, मतलब मेरा बोलने का मतलब है, मेरे पास कुछ गुड न्यूज भी है सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस और सीए आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए। मैं आने वाले कुछ दिनों में मैं बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, बहुत सारी गुड न्यूज प्रोवाइड करूंगा, लाइव आने की कोशिश करूंगा। आपका प्यार मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे आपके प्यार की, और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहो, लाइक करते रहो और जरूर सब्सक्राइब करो। सो गाइस, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूंगा कि आप अगर चाहते हो कि मैं और भी आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कुछ सलाह दें। आपका सजेशंस जरूरी है ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप चाहते क्या हो, आपको कौन कौन से वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।